हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ आर डी रमेश। दोस्तों, मैं आज से एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। उस जर्नी में हमारे रहेगा ये कि हम मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई अपना करेंगे और बाकी नीट के लिए फोकस करेंगे। हेल्प तो बोर्ड वालों को भी मिल सकता है 11th 12th को, लेकिन जैसे कि मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव बायोलॉजी, इट मीन्स कि हम बायोलॉजी के ढंग से पढ़ाई करेंगे। डन। तो इसमें नीट के जो बच्चे हैं उनको मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हेल्प करूँगा। डन। बाकी मैं अच्छे से नोट्स बनाऊँगा, नोट्स बना के एक्सप्लेन करेंगे बायोलॉजी का हर एक चीज़ के बारे में। क्रिएटिव से नाम हमने चैनल का नाम दिया, उस हिसाब से हम काम करेंगे जैसे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, इम्प्रूवमेंट आप अपने नॉलेज में करें ताकि हमको भी उससे मोटिवेशन मिले पढ़ाई करने के लिए। डन। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपकी आज हमें क्या पढ़ाना है। आज बहुत बेसिक टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, जैसे कि हम ये देखते हैं कि चैनल का नाम पहले हमारे क्रिएटिव बायोलॉजी। डन। चैनल का नाम हमारे क्रिएटिव बायोलॉजी। क्रिएटिव बायोलॉजी हमारे चैनल का नाम है, नाम हमारा आर डी रमेश है। फिर आज हम ये देखें कि स्टोरी ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी कैसे आया, कहाँ से आया, कौन क्या क्या है इसमें। डन। मुझे इनकी बारे में जानकारी मिनिमम से मिनिमम आपको होनी ही चाहिए। डन। चलिए, एक टर्म है कि बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने टर्म से मिलके बना है? दो टर्म से मिलके बना है। बायोज मीन्स होता लाइफ। बायोज मीन्स क्या होता है? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन। लोगोज मीन्स स्टडी। ओवरऑल अगर अपने को डेफिनेशन बनाना हो कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या हो, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको अपन ये बोलेंगे कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन। दूसरे का पॉइंट के बारे में हम चले, इस पॉइंट के हिसाब से कहते हैं बायोलॉजी इज ए स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे कैसे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, कैसे आया, कैसे नहीं आया, उन सब के बारे में हम कैसे स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। डन। की लाइफ कैसे जनरेट अर्थ पे हुई उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखना आपको कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एक लैमार के बारे में आई होप आप लोग सुने होंगे, एंड ट्रेवी रेनस एक साइंटिस्ट अलग हैं और एक लैमार्क, इन दोनों ने मिलकर क्या टर्म दिया, टर्म बायोलॉजी। डन। फिर बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो आप क्या बताएंगे फादर ऑफ बायोलॉजी के लिए दोस्तों, तो आप बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल हैं, और इनका वर्किंग पीरियड कहेंगे 384 to 322 BC में इनका वर्किंग पीरियड पूरा था एरिस्टोटल का, उसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। डन। ठीक है, फिर आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी इवॉल्व्ड, कि बायोलॉजी कॉन्सेप्ट कब इवॉल्व हुआ, तो आप देखें कि इन 19th century फ्रॉम ट्रेडिशंस मेडिसिन, जो हमारे ट्रेडिशन में मेडिसिन थे कि होम मेड मेडिसिन थे, उन सबको 19th century में लोग थोड़ा सा भूलना शुरू किए और किसकी तरफ शिफ्ट हुए, आयुर्वेदा एंड इजिप्टियन मेडिसिन जो था उनके तरफ मतलब शिफ्ट होना शुरू किए, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम हमारा बड़ा, आई थिंक ट्रीटमेंट बिलीफ सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बिलीव है तो आप ठीक आसानी से जल्दी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आज के मॉडर्न में एलोपैथ मेडिसिन का भी रोल ज़्यादा आ रहा है, बट आयुर्वेद भी आजकल चल रहा है ठीक ठाक। डन। फिर बात करते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ बिगिंस फ्रॉम, मतलब अर्थ पे लाइफ कब से आई, तो आप कह सकते हैं कि 3.5 से लेकर के 4 बिलियन, इट मीन्स 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो से अर्थ पे लाइफ हमारी आई। कब आई? 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ अर्थ पर आई। डन। तो आई थिंक इतनी बात तो आपको कम से कम मोटी मोटा समझ में आ गई होगी कि बायोलॉजी क्या है, टर्म किसने दिया था, फादर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से बायोलॉजी का है। ठीक है, तो ये इतनी आपको मिनिमम आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसमें और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बोलिए कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी कितने ब्रांच होते, तो आप क्या कह रहे हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी मल्टी बहुत सारे ब्रांच है, माइनर ब्रांच, मेजर ब्रांच, लेकिन हम तीन मेजर ब्रांच के बारे में कम से कम आइडिया ले सकते हैं। एक आ सकता है कि जूलॉजी,
दूसरा आएगा बॉटनी, तीसरा आएगा माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, डन। जूलॉजी के बारे में अगर बोलेंगे तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। और इसके डेफिनेशन है, इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, डन। स्टडी ऑफ एनिमल्स हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। और स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी के अंदर करते हैं, डन। फिर बात करते हैं कि बॉटनी के बारे में कितनी हमको नॉलेज होना चाहिए मिनिमम। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, एक साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट की बहुत सारे फंक्शन, मतलब मल्टीपल रोल इन्होंने किया है बायोलॉजी में, कई जगह काम इन्होंने किया है। फिर बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडेड इन बॉटनी, डन। फिर बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बोलेंगे तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ए वी लियोनहॉक, एंटोन वॉन लियोनहॉक जो हैं ये हमारे साइंटिस्ट किस चीज़ के हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड फाइनली स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत सारे मल्टीपल बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाइज, पैरासाइट्स, प्रोटोजोअन्स, मेनी ऑर्गेनिज्म दैट इज स्टडी अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, डन। सॉरी माइक्रोबायोलॉजी, डन। ठीक है, इतनी बात आपको मिनिमम पता रहना चाहिए। ठीक है, मैं आज अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, बट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हम कंटिन्यू ऐसे रहेंगे, बाकी हर दिन पढ़ते रहेंगे बायोलॉजी। बाकी हमारा नीट पे मेजर फोकस रहेगा उनके लिए, बच्चों के लिए, कि नीट पे सिलेक्शन आप लोग लें अच्छे से। बाकी जितना पॉसिबल हेल्प हो सकता हम आपको करेंगे। थैंक यू।